हाय भाई। तो आज मैं एक पोर्टेबल ट्राइपॉड के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो कुछ दिन पहले, पिछले महीने, मैंने ये ट्राइपॉड मंगवाया था। आप देख सकते हो, ये लगभग 400 के आसपास है, 395 400 के आसपास है अमेजोन पे। मेरे को एक ट्राइपॉड चाहिए था। मैं अपना चैनल शुरू करने वाला था और मुझे ऐसा ट्राइपॉड चाहिए था जो मेरा, मैंने जो एक्शन का कैमरा खरीदा है, साथ ही साथ जो फोन है मेरा, दोनों के साथ, और साथ ही मेरे पास एक छोटा सा डिजी कैम भी है। तो उनके साथ मैं कुछ अगर वीडियोस बनाना चाहूँ या वीलॉग करना चाहूँ, उसके लिए मैंने मंगवाया था। और इसका मैंने अनबॉक्सिंग किया है, जिसका वीडियो आप थोड़ी देर में देखेंगे। पर अगर आप मुझे पूछें इसके बारे में, तो बहुत ही हैंडी है, बहुत ही पोर्टेबल है, और सबसे इसकी अच्छी बात जो लगी मुझे, जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, कि ये काफी फ्लेक्सिबल है। मतलब कि आप कहीं भी इसे, इस ट्राइपॉड को रख सकते हैं, और स्टेबल काफी है। और उसका जो, ये जो टॉप है, ये जो राउंड टॉप है, ये भी काफी फ्लेक्सिबल है। मेरे पास पहले गोरिल्ला माउंट हुआ करता था, और उसका टॉप जनरली वोबल करता है, मतलब हिलता है। और उससे आपका जो, अगर आप सोच लो कि आप एक फोन रखते हो या फिर एक कैमरा रखते हो, तो वो स्टेबल स्टेबल नहीं रहता। पर इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा भी सेट कर दो, आप ये जो नॉब आता है, इस नॉब को आप बस, वो जो नॉब है उसको फिट कर दो, और आप इवन कैमरा को टिल्ट करके रख सकते हो या फिर सीधा रख सकते हो। तो ये मुझे बहुत काम आया, इसीलिए मैं आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब अगर आपको एक पोर्टेबल ट्राइपॉड चाहिए जो छोटा हो पर थोड़ा सा एक्सटेंसिबल भी हो, तो ये जरूर आप लें। काफी अच्छा ट्राइपॉड है। तो अब हम क्विकली जंप कर देते हैं मेरे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को की तरफ।
आपने अभी जस्ट देखा कि कैसे अभी कैसे मैंने वो पूरा ट्राइपॉड को अनमाउंट किया और कैसे मैंने उस और उसको डिफरेंट डिफरेंट जैसे फ़ोन हो गया मेरा जो डिजी कैम है उसके साथ सेट किया। और ये रहा ये वही ट्राइपॉड, आप देख सकते हो, आप उसे ऐसे इतना तक एक्सटेंड कर सकते हो। और आपका जैसे मैं दिखाया, आपका ये जो आइटम है ये आपका काफ़ी फ्लेक्सिबल, और सबसे अच्छी चीज़ है इसमें सब कुछ एडजस्टेबल है, तो आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो। और आप इसे इवन प्रॉपर माउंट के साथ अपने गोप्रो या फिर अपने कोई भी एक्शन कैमरा के साथ सेट कर सकते हो। मेरे पास DJI Osmo है तो मैं उसके साथ करता हूँ। तो जो मैं प्रॉब्लम बता रहा था आपको, ये मेरा जो गोरिल्ला पॉड है, तो ये वाला मैं सबसे पहले खरीदा था। सोचा था कि जो मैं वो वॉबलिंग का बोल रहा था, राइट, ये सारा प्लास्टिक का है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो वॉबल होता है इसके कारण आपका पूरा जो आप अगर कुछ रखते हो ये लोड नहीं ले पाता। जैसे फ़ोन लगाओ या फिर आप अपना कैमरा लगाओ, ये लोड नहीं ले सकता। तो इस मामले में मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ट्राईपॉड है ये काफ़ी अच्छा है। मैंने इसे एक्सटेंसिवली यूज़ किया है पिछले 1 महीने में, और मैं ज़रूर बोल सकता हूँ, रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसे यूज़ करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा ये लगे ये वीडियो, और भी आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आगे वाले वीडियोस को भी देखिए। धन्यवाद।